मुरादाबाद में लॉकडाउन के दौरान कुछ एरियों में छूट दी जा रही है तो कुछ एरियों में सख्ती के साथ उसका पालन करने के लिए काम भी किया जा रहा है। ईदगाह क्षेत्र में पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च का आयोजन कराया गया जिसमें सभी लोगों से सहयोग की अपील भी की गई। साथ ही सभी का ये कहना है कि ये एरिया जो है हॉटस्पॉट एरिया में आता है और सभी लोग इसका पालन करें कि घरों से ना निकले। यदि ऐसा पाया गया और बेवजह लोग सड़कों पर दिखाई दिए उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। इस मौके पर ये भी कहा गया है कि जब तक हॉटस्पॉट एरिया है सभी लोग प्रशासन का सहयोग करें। लॉकडाउन 4 में मुरादाबाद में हॉटस्पॉट इलाकों में सख्ती के साथ उसका पालन कराने के लिए काम किया जा रहा है। मुरादाबाद के ईदगाह क्षेत्र में सीओ कटघर और एसीएम द्वारा फ्लैग मार्च किया गया जिसमें सिविल पुलिस के साथ रैपिड एक्शन फोर्स के सभी जवान मौजूद रहे। पूरे क्षेत्र में सभी लोगों को अपील करते हुए दिखाई दे रहे थे कि आप लॉकडाउन का पालन करें। इस मौके पर जरूरत से ज्यादा खुली दुकानों को बंद भी कराया गया। साथ ही ये कहा गया है कि प्रशासन द्वारा जिनको अनुमति दी गई है वही दुकानें इस क्षेत्र में खुलेंगी। यदि आप कोई भी प्रशासन के आदेशों का पालन नहीं करेगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। इस मौके पर यह भी बताया गया है कि ये एरिया पूरा हॉटस्पॉट इलाके में है और प्रशासन द्वारा यहाँ पर सख्ती के साथ लॉकडाउन का पालन करने के लिए काम किया जा रहा है। यदि कोई भी लॉकडाउन का उल्लंघन करता हुआ दिखाई देगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। प्रशासन द्वारा यह भी कहा गया है कि सभी लोग सहयोग करेंगे तो इस कोरोना महामारी के खात्मे के लिए हम काम कर सकते हैं। इस मौके पर कुछ सामाजिक संस्थाओं द्वारा पुलिस कर्मियों को पानी और खानपान की सामग्री भी वितरित की जा रही थी और ये कहा जा रहा था कि आप इस मुश्किल घड़ी में जनसेवा में लगे हैं और जनता की सेवा करने के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे में हमारा दायित्व है कि हम भी आपकी कुछ सेवा करने का काम करें। बस हम आपसे ये अपेक्षा करते हैं कि आप ऐसे ही जनता की सेवा करते रहें और जनता आपके आदेशों का पालन करे, तभी हम इस कोरोना महामारी के खात्मे के लिए काम भी कर सकते हैं। इस मौके पर वाहनों की चेकिंग भी की गई और बेवजह घूम रहे वाहनों के खिलाफ भी कार्रवाई करने की निकाम भी किया गया। निकले बहुत ही आवश्यक हो तो घरों से बाहर रहे, कृपया करके घरों में रहे। मिल ही लेता हूँ, मिल लो, चेकअप करा लो, बढ़िया डॉक्टर है ये। अभी तो बहुत जरूरी है। हॉस्पिटल श्रीमान श्याम महोदय की अनुमति के बगैर कोई गतिविधियां नहीं होंगी। अगर कोई गतिविधियां चलते पाई गई तो आप स्वयं जिम्मेदार होंगे, आप लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। ये हटाइए यहाँ से, क्या तमाशा बनाया है ये चेम्स बस को हटाइए यहाँ से, खाली करिए रोड को। पानी बोतल मेरी आवाज सुनने हो कृपया करके घर चले जाइए। लॉकडाउन लागू है, ऐसा कुछ नहीं है कि लॉकडाउन हट गया है। थानागढ़ से क्षेत्र में संपूर्ण लॉकडाउन लागू है। मेहरबानी करके घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। बहुत ही जरूरी, घर से बाहर निकलना है तो बिना मास्क के बाहर ना निकले।